मान सम्मान मिल नहीं रहा तो हट गई जनता। तो भाई मान सम्मान पे वोट करेंगे भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल, क्या नाम है आपका? जहूर अहमद। जहूर भाई ठीक हैं आप? बढ़िया। ये बताइए, रामपुर में चुनाव चल रहा है, मूड क्या है जनता का? बस यही मूड है इसका, बीजेपी का। बीजेपी का? बीजेपी का। अच्छा? सब बीजेपी एक आवाज। क्यों? हमारे प्रधान जी का और सबका यही आवाज है। क्या? बीजेपी को वोट देना है। अच्छा, तो भाई देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ भाई सब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। सब बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं? सब बीजेपी। हाँ सब बीजेपी। क्यों क्यों कह रहे हैं? सरकार बीजेपी की है, यूँ कह रहे हैं। अच्छा यूँ कह रहे हैं सरकार बीजेपी की है। वैसे अब तो जमाने ही सब बीजेपी का, जमाना बीजेपी का है और क्या। क्यों क्यों क्या? अरे भाई नाच बांट रहे हैं तो ये थोड़ा हाँ, महीने में दो दफे मिल रहा है और? दो बार बस, यही सुविधा अच्छी है बस और क्या। सड़कें तो जहाँ टूट हुई है टूट हुई है, जहाँ गड्ढे हैं तो गड्ढे ही हैं, बोने पड़ने का नाम नहीं है। गड्ढे नहीं पड़ रहे ना फिर? ये चमर वाला रोड बिल्कुल बेकार है, वो एक जमाने से है वो ऐसी है। वो सुविधा ये गल्ले की है और क्या है, वो किसानों को बेचारों को पैसे आ रहे हैं बस और क्या, इसलिए बीजेपी को वोट दे रहा है। और आजम खान? आजम खान उनके क्या करा जाए, अब तो वो तो उनके नसीब में है ही नहीं, अब मुझे लग रहा है उनकी किस्मत में तो है ही नहीं। अब क्या, अब कहाँ, वो तो बेकार ही होगा, रिटायर ही होगा अब वो तो। रिटायर हो गए और क्या, बेचारे क्या करते। उनका कैंडिडेट तो है? हाँ कैंडिडेट है तो देखा जाएगा आगे को, अब तो ना है। अब तो ना है बीजेपी। आसिम राजा हैं तो उनके? ना वो तो कोई बात नहीं है, मगर अब तो बीजेपी है। अच्छा पब्लिक के दिमाग में बीजेपी है? जी हाँ और क्या। तो भाई जनता जो है कह रही है पब्लिक के दिमाग में बीजेपी है। चले बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? रामनिवास सैनी। रामनिवास भाई वोट करेंगे इस बार? जी। वोट की चोट कहाँ पर होगी? बीजेपी पे। क्यों? मतलब हर एक चीज की सुविधा और मतलब गुंडा चार नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता है। अच्छा गुंडागर्दी नहीं होती है? ना बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होता है। जी। इस मुद्दे पर बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को आप वोट करेंगे। तो भाई जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, बिल्कुल रियल रिपोर्ट है और यहाँ पर भाई मिल गए। भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी भाई चुनाव आ गया? हाँ पता है। हाँ पता। वोट करेंगे? हाँ। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे सबसे बड़ा महंगाई का। क्या बेपना इसमें, इस सरकार में महंगाई है और क्या है। अच्छा हाँ, तो क्या चाहते हैं? हम तो सरकार के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ क्यों? किमें नहीं, बस महंगाई के चक्कर में। अच्छा महंगाई की वजह से। तो आप वोट किसको देने जा रहे हैं? साइकिल। साइकिल पे? साइकिल माहौल है। माहौल सर समाजवादी का ही है। अच्छा क्या यही है कि अब आजम खां तो खड़े नहीं हो सकते, उन पे केस वेस लग गए, उनका तो अख्तियारी छीन लिया गया वोट का, मगर बाकी कोई बीजेपी ने विकास विकास कुछ कराया नहीं है यहाँ कुछ भी। अरे खूब कराया बीजेपी ने विकास यार। ना कुछ विकास नहीं है, बीजेपी का विकास कहीं दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? सड़कें पड़ के नहीं, कोई सड़कें नहीं है, पहले आजम खां के दौर की है ये सब काम। सड़कें नहीं, ये कह रहे हैं कि आजम खां के दौर की। अरे ये सब सड़कें सर अभी बनी है बीजेपी की गवर्नमेंट में, और नई भी बनी है तो मेरी बात में अब आगे को बनेंगी। अरे भैया आगे आगे देखा, बहुत दिनों से बीजेपी की सरकार चल रही है, कुछ नहीं हुआ यहाँ रामपुर जिले में। कुछ नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, विकास सड़कें ऐसी है टप्पे लगा के चले हमारे यहाँ, तो बस पैसे निकाल लिए सरकार से, पैसा ले लिया, गड्ढा फाट दिया, गड्ढा फाट दिया, कुछ नहीं हुआ। जहाँ गड्ढा था सर वहाँ गड्ढा फाट दिया। अब इन्हें तो ऐसी चाहिए बिल्कुल जैसी कि मैं चलूँ तो बिल्कुल कहीं ठोकर भी ना लगे। जैसा समय होगा थोड़ा थोड़ा समय विकास होगा। अच्छा सुनिए भाई साहब। जी जी सर। जी समाजवादी पार्टी से आसिम राजा। जी जी। बीजेपी से आकाश सक्सेना। जी ठीक है। किसका पल्ला भारी है? पल्ला तो यही भारी है, आजम खान का ही भारी है, आसिम राजा का ही भारी है, क्योंकि आजम खान ने ही तो खड़ा करा है। आकाश जी का भारी है सर। क्यों? क्यों क्या, बढ़िया आदमी है, मेरी बात सुनो, पहली बार उनको भी मौका देना चाहिए, इन्हें 40 साल से दे रहे हैं, उन्हें भी देना चाहिए। ये कह रहे हैं मौका देना चाहिए। हाँ भाई दे दो मौका, वो तो अल्लाह का मर्जी है जिसे दे, भाई हमारे बस की क्या बात है, वोट देना है वोट दे देंगे, मौका देना चाहिए। मगर जहाँ विकास की बात है, बीजेपी की सरकार में कोई विकास है नहीं रामपुर जिले में, कोई विकास नहीं है। उनको अपनी नजर से देख नहीं देख रहे, वो मैं अपनी नजर से देख रही हूँ। मुसलमान किधर जा रहा है? मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। कह रहे मुसलमान बीजेपी के साथ है, ये बीजेपी? हाँ बीजेपी के साथ भी है, कौम परस्ती थोड़ी है, जिनका दिल चाह रहा बीजेपी को दे रहे हैं, जिनका दिल चाह रहा समाजवादी को दे रहे हैं, हिंदू भी तो समाजवादी को दे रहे हैं, ये तो कौम परस्ती कुछ है ही नहीं। ये तो हिंदू मुस्लिम सब अपने एकता है, बाज बोर्ड है, डाल दिया बात खत्म हो गई, भाईचारा बराबर बना रहे, विकास नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है।
अच्छा हाँ, भाई कह रहे हैं कि विकास नहीं दिखाई दे रहा है। आप भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया साहब। भाई साहब बताना, विकास दिखाई नहीं दे रहा? अब विकास तो अब धीरे धीरे दिखाई देगा। ये आप युवा है, नौजवान है, क्या चाहता है नौजवान? नौजवान क्या काम चाहता है? बस काम चाहता है, बस रोजगार, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो आप वोट करेंगे किन मुद्दों पे करेंगे? रोजगार पे करेंगे, रोजगार के मुद्दे वोट करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे करेंगे। तो भाई ये रामपुर की जनता है और रामपुर में उपचुनाव चल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की साख दांव पर है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना समाजवादी पार्टी के आसिम राजा के सामने खड़े हुए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रामपुर की जनता किसे चुनती है। रामपुर सैयद आमिर, जी मीडिया। और क्या? अच्छा तो क्या चाहते हैं? हम तो सरकार के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ क्यों? क्योंकि महंगाई के चक्कर में। अच्छा, महंगाई की वजह से। तो आप वोट किसको देने जा रहे हैं? साइकिल। साइकिल पे? साइकिल तो आजम खान की है। हाँ, आजम खान की हो, किसी की हो। आसिम राजा? हाँ, आसिम राजा है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? आज काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? काम का कराया इसने बीजेपी ने? क्या हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं कराया। कहाँ पर? तुमड़ी हम कहीं भी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अरे विकास हो सही, और क्या, और कुछ यही है, और रोजगार मिले लोगों को। रोजगार और हाँ, विकास के मुद्दे हाँ, पर वोट डालेंगे आप? तो भाई ये सरकार चल रही है, रोजगार के और विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई क्या हाल है? बढ़िया। सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया। ये बताइए, चुनाव आ गया? आ गया। वोट डालेंगे? बिल्कुल। किसको वोट डालेंगे? जनता का मूड क्या है इस बार? बीजेपी का मूड है। बीजेपी का मूड है, क्यों? अरे बीजेपी चल रही है तो बीजेपी है। अच्छा, और क्या, 4.5 साल है अभी सरकार के। इस वजह से। आप युवा हैं, युवा क्या चाहता है? युवा ये चाहता है रोजगार मिले युवा को, और क्या चाहता है? रोजगार चाहता है जी। तो रोजगार के मुद्दे पे आप वोट करेंगे जी? रोजगार के मुद्दे पे। बहुत बढ़िया। बेरोजगारी? तो भाई रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। और देखिए यहाँ पर पूरी ये गांव की बाजार है। और भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया है। भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल है। क्या नाम है आपका? दौलत राम। दौलत राम जी, ये बताइए चुनाव आ गया? हाँ चुनाव आ गया। तो फिर हम भी आ गए। हाँ ठीक है, वोट देंगे। वोट देंगे? हाँ ठीक। सपा बीजेपी? हाँ बीजेपी। क्यों? बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया है बीजेपी। हाँ। मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे ये हैं कि काम अच्छा चल जाए और आगे भी मुद्दा वास्ता बढ़िया रहेंगे और बढ़िया काम है, सरकार अच्छी है, इसी वजह से वोट देंगे। कानून व्यवस्था, रोजगार, क्या मुद्दे हैं? रोजगार तो साहब हम मजदूरी करते हैं, रोजगार तो कोई हमारा है नहीं साहब। ये मजदूरी करते हैं भट्टे उट्टे पे, और गांव मिल जाता वो काम करते हैं, और कोई रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात है। और बताओ साहब आप क्या कर सकते हैं? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार जो उम्मीद है हमारी, कोई मदद करें, कोई काम हमें दें रोजगार। अब रोजगार वह हम बेकार हैं, अयोध्या से कभी कभी मिली नहीं, कभी मिलती नहीं है, ये हमारे व्यवस्था वो हैं। वोट जब आप देंगे तो क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो वोट तो हमें देने देना है, वोट दे देंगे। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमें गरीब लोगों के साथ क्या करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं हमें कोई नौकरी या कैसी कोई काम या कोई भी हमें मिलना चाहिए, हिला कोई काम हमें मिलना चाहिए, कोई काम मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, वोट दे देंगे। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमें गरीब लोगों के साथ क्या करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं हमें कोई नौकरी या कैसी कोई काम या कोई भी हमें मिलना चाहिए, हिला कोई काम हमें मिलना चाहिए, कोई काम मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो भाई रोजगार के मुद्दे पर भाई वोट करेंगे। और यहाँ पर जो है और भी लोग हैं, जनता की राय है, अलग अलग राय है। कोई रोजगार के मुद्दे पर वोट करना चाहता है, कोई विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहता है, कोई सड़कों का मुद्दा है, किसी का अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ पर क्या हाल है? बढ़िया। इधर आइए। क्या नाम है आपका? आसिम खान। आसिम भाई सब ठीक है? सब। चुनाव आ गया? आ गया। ऊँट किस करवट बैठ रहा? वोट किस करवट बैठेगा? वोट जिस करवट बैठता चला रहा है उसी करवट बैठेगा। किस पे? साइकिल पे बैठ जाएगा। साइकिल बैठ जाएगा? हाँ इंशाल्लाह। वो वाला जहाज। अच्छा वो वाला जहाज। साइकिल पे तो पिछले 47 साल से ऐसे होता चला गया, ऐसे होता चला गया। रामपुर के इतिहास बदला नहीं जाएगा, ये इतिहास नहीं बताया जाएगा, नहीं बता। बीजेपी के लिए सेंध लगा देंगे इस बार। कितने कर लेंगेगा? कितने जोर लगा लेंगे? अच्छा कितने जोर लगा लेंगे? क्यों देख रहे हैं महंगाई? देख रहे हो क्या हो रहा है? डीजल देखो क्या हाल हो गया, महंगाई देखो क्या। तुम बाजार में ये खड़े हो, तुम देखो हर आदमी से, हर आदमी की कमर टूटी पड़ी है। क्या करेगा गरीब आदमी? किसी को की नौकरी नहीं आज तक की, मुझे बताओ। ये तो आप भी जानते हो, देख ही रहो आप भी उस समय घूम रहा। रामपुर में आजम खान का कैंडिडेट है आसिम राजा जी।
बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर दाव खेल दिया है, ठीक है, ये बताइए दोनों में भारी कौन है? आसिम रजा है, आजम का चेहरा है, चेहरा क्या नाम है, आसिम रजा हमारा इलेक्शन आजम का है, उन्हीं से मुकाबला है, किससे मुकाबला नहीं है, वो तो मजबूरी है आसिम रजा को खड़ा करना, आजम कहाँ है? क्या मजबूरी? मजबूरी यह है कि उनके ऊपर कैसे इतना लगा दिए हैं, खड़े ही हो सकते हो, ये मजबूरी है बीजेपी ने जो काम कर रखा है, ये उसकी मजबूरी है। तो आजम खान के जो खास खास लोग हैं वो तो बीजेपी में जा रहे हैं सर? वो तो बस वक्त की हवा चल रही है, जिधर को भी आदमी चला जाए जान बचा रहे आदमी थोड़ा सा। तो कहीं इस हवा से जो आजम खान का किला है ढा तो नहीं जाएगा? नहीं जलेगा, किसी हालत में नहीं जाएगा, हम दावा कर रहे हैं इस बात का। क्या आजम खान का किला नहीं ढह सकता? बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं आकाश सक्सेना जी, आजम खान के तमाम लोग टूट के चले गए, कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, वो इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 50,000 से क्या नाम है 40,000 से जीत जाएंगे, 60-70,000 से जीतते चलाएँ, वो आज भी 10,000 बहुत हो जाएगा, 10,000 से कम हो जाएंगे, और जीतना वही है। समाजवादी? समाजवादी। तो भाई बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतना है, लोग हमारे साथ और भी भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल है। क्या नाम है आपका? शादाब नाम है। ये बताइए शादाब भाई, रामपुर में चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल सर समाजवादी का ही है। अच्छा, क्या ये है कि अब आजम खां तो खड़े नहीं हो सकते।